हाई फ्रेंड्स वेलकम टू श्रीस किचन नहीं वीडियो फर्स्ट टाइम पाक्री मरकाम सब्सक्राइब पाको अब पक बेल बटन क्लिक पड़ी आलंग क्लिक पाको अब ना पड़े वीडियो नहीं मिस् पा पाकल इनके पाकपोना ट्रेडिशनल ईसोब एलुमीच रसम एप्ली पाकल अद्कु कल कप पयतप वो बासीपर इतमी कलेजी एको वो मुका टम्लर तं विको और अंजु पल पू मिगा रे तक वो तक कुर सेतें और तक रे पचम इत तनिया नरक वे और कल स्पून मंजल पड़ी वर मुट नल और अंजु विसिल विटेकों अरे वह अड़े वे और अंजु विसिल विटेकल वो अंड को अपरा लिटा पट मूडनिंग वे पर्प तरह पों वराम कुछ को रसत वेम तेज वचर ऐसा एलुमीच पड़ रसम वो सो रे पचम और तक वर तुंपायम अर स्पून कुम मिगड़ी कुम मिगड़ी एप्ली लिंक कीड़े कोई बटन को वीडियो चेक पड़को इत वो इसम वो हई फ्लेम वा उ सो मी रोम लो फ्लेम वे कुमार अंत परप तूक इंडियादा इत अड़ ईसम वो यूस पड़ी वे पात्र वो रसते वे ऊतेंगे ऐसा नहीं हई फ्लेम वीन इतम इतना अच्छी इतना रोम लो फ्लेम वजचों कामिकेल करवे सल मरदे करवे को आड पड़को ये बाहर ना को आरमचर इत स्टेज मूडनिंगन उल पों वराम और अंजु विसल विटेकल अरप ना वोच इसलिए कुछ तर आड पड़को ना वो मूणु पे वो रसम को मिगापी पचवासन ऊतिकल इलप कर रे स्पून नये और अर स्पून कड़गु अर स्पून जीरक सेतु ताली कोटिल कल स्पून जीरक पड़ी आड पड़को कड़सिया जीरक पड़ी आड पड़ी कुछ वासन ना இதல உப்பு வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு முன்னாடியே பாதி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது ஆஃப் பண்ணனும் எலுமிச்சம்பழம் பொழிவோம் அதுல வந்து ஒரு அரை கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு அதுல புளிஞ்சு அதுல விட்டுட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ரசம் வந்து கசக்காம இருக்கும் சோ அரை உப்பு போட்டுட்டு பாக்கி அரை உப்பு எலுமிச்சம்பழம் புளியும் போது விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த நொர கட்டி வந்த உடனே ஆஃப் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ இல்ல நொர கட்டி வந்திருது இதோட ஆஃப் பண்ணிடலாம் रसम वो मरकोति वरपड़ा अब मरकोति वर्दा ना इला मल मल तड़ आड पड़ा कुछ आर विलुमचंपिजकोलुमचंपम पुरी कामिक्रे सूपरान टेस्टान एलुमचंपम ट्रेडिशनल ईसोब एलुमीच रसम रेडी
நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதில் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பாக தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் ஒரு எலுமிச்சம்பழமாக கூட விட்டுக்கலாம். நான் மூணு பேருக்குங்கிறதுனால அரை மூடி தான் புழிஞ்சிருக்கேன். இதை கலந்து விட்டுட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான். டேஸ்டான எலுமிச்சை ரசம் ரெடி.